एक बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा संस्मरण, डी ललित निबंध। आंसर डी ललित निबंध। एक बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा संस्मरण, डी ललित निबंध। आंसर डी ललित निबंध। एक बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा संस्मरण, डी ललित निबंध। आंसर डी ललित निबंध। दो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ए प्रसाद युग, बी भारतेदु युग, सी द्विवेदी युग, डी स्वतंत्र उत्तर युग। आंसर बी भारतेदु युग। दो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ए प्रसाद युग, बी भारतेदु युग, सी द्विवेदी युग, डी स्वतंत्र उत्तर युग। आंसर बी भारतेदु युग। दो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ए प्रसाद युग, बी भारतेदु युग, सी द्विवेदी युग, डी स्वतंत्र उत्तर युग। आंसर बी भारतेदु युग। तीन मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ए विद्वतापूर्ण बात करना, बी तर्कपूर्ण बात करना, सी भीड़ से बात करना, डी अबाक होकर अपने से बातचीत करना। आंसर डी अबाक होकर अपने से बातचीत करना। तीन मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ए विद्वतापूर्ण बात करना, बी तर्कपूर्ण बात करना, सी भीड़ से बात करना, डी अबाक होकर अपने से बातचीत करना। आंसर डी अबाक होकर अपने से बातचीत करना। तीन मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ए विद्वतापूर्ण बात करना, बी तर्कपूर्ण बात करना, सी भीड़ से बात करना, डी अबाक होकर अपने से बातचीत करना। आंसर डी अबाक होकर अपने से बातचीत करना। चार संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता, डी प्रवाहपूर्ण भाषा। आंसर सी आत्मीयता। चार संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता, डी प्रवाहपूर्ण भाषा। आंसर सी आत्मीयता। चार संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता, डी प्रवाहपूर्ण भाषा। आंसर सी आत्मीयता। पांच बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? ए 23 जून 1884 को, बी 23 जून 1844 को, सी 20 जुलाई 1902 को, डी 18 दिसंबर 1834 को। आंसर बी 23 जून 1844 को। पांच बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? ए 23 जून 1884 को, बी 23 जून 1844 को, सी 20 जुलाई 1902 को, डी 18 दिसंबर 1834 को। आंसर बी 23 जून 1844 को। पांच बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? ए 23 जून 1884 को, बी 23 जून 1844 को, सी 20 जुलाई 1902 को, डी 18 दिसंबर 1834 को। आंसर बी 23 जून 1844 को। छह संयोगिता स्वयंवर रचना है? ए बालकृष्ण भट्ट की, बी प्रताप नारायण मिश्र की, सी श्रीनिवास दास की, डी मैथिलीशरण गुप्त की। आंसर सी श्रीनिवास दास की। छह संयोगिता स्वयंवर रचना है? ए बालकृष्ण भट्ट की, बी प्रताप नारायण मिश्र की, सी श्रीनिवास दास की, डी मैथिलीशरण गुप्त की। आंसर सी श्रीनिवास दास की। छह संयोगिता स्वयंवर रचना है? ए बालकृष्ण भट्ट की, बी प्रताप नारायण मिश्र की, सी श्रीनिवास दास की, डी मैथिलीशरण गुप्त की। आंसर सी श्रीनिवास दास की। सात कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ए नूतन ब्रह्मचारी, बी 100 अजान 100 सुजान, सी सद्भाव का अभाव, डी परीक्षा गुरु। आंसर डी परीक्षा गुरु। सात
कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ए नूतन ब्रह्मचारी, बी सौ अजान एक सुजान, सी सद्भाव का अभाव, डी परीक्षा गुरु। आंसर डी परीक्षा गुरु। 7. कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ए नूतन ब्रह्मचारी, बी सौ अजान एक सुजान, सी सद्भाव का अभाव, डी परीक्षा गुरु। आंसर डी परीक्षा गुरु। 8. कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ए रेल का विकेट खेल, बी कछुआ धर्म, सी रेणुका, डी प्राच्य विद्या। आंसर ए रेल का विकेट खेल। 8. कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ए रेल का विकेट खेल, बी कछुआ धर्म, सी रेणुका, डी प्राच्य विद्या। आंसर ए रेल का विकेट खेल। 8. कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ए रेल का विकेट खेल, बी कछुआ धर्म, सी रेणुका, डी प्राच्य विद्या। आंसर ए रेल का विकेट खेल। 9. बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ए प्रताप, बी कर्मवीर, सी हिंदी प्रदीप, डी ज्योत्सना। आंसर सी हिंदी प्रदीप। 9. बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ए प्रताप, बी कर्मवीर, सी हिंदी प्रदीप, डी ज्योत्सना। आंसर सी हिंदी प्रदीप। 9. बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ए प्रताप, बी कर्मवीर, सी हिंदी प्रदीप, डी ज्योत्सना। आंसर सी हिंदी प्रदीप। 10. बातचीत किस विधा की रचना है? ए आलोचना, बी गीत, सी शोध, डी निबंध। आंसर डी निबंध। 10. बातचीत किस विधा की रचना है? ए आलोचना, बी गीत, सी शोध, डी निबंध। आंसर डी निबंध। 10. बातचीत किस विधा की रचना है? ए आलोचना, बी गीत, सी शोध, डी निबंध। आंसर डी निबंध। ग्यारह रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ए फ्राइडे के, बी संडे के, सी एडिसन के, डी स्टील के। आंसर ए फ्राइडे के। 11. रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ए फ्राइडे के, बी संडे के, सी एडिसन के, डी स्टील के। आंसर ए फ्राइडे के। 11. रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ए फ्राइडे के, बी संडे के, सी एडिसन के, डी स्टील के। आंसर ए फ्राइडे के। 12. बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है? ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। आंसर डी बालकृष्ण भट्ट। 12. बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है? ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। आंसर डी बालकृष्ण भट्ट। 12. बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है? ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। आंसर डी बालकृष्ण भट्ट। 13. बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ए बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, सी संवाद की शैली, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए बातचीत की शैली। 13. बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ए बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, सी संवाद की शैली, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए बातचीत की शैली। 13. बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ए बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, सी संवाद की शैली, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए बातचीत की शैली। 14. भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर शून्य नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। आंसर सी रामचंद्र शुक्ल। 14. भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी,
बी डॉक्टर शून्य नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। आंसर सी रामचंद्र शुक्ल। 14. भटजी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर शून्य नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। आंसर सी रामचंद्र शुक्ल। 15. बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी मथुरा उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। आंसर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 15. बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी मथुरा उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। आंसर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 15. बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी मथुरा उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। आंसर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। सोलह. बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए आर्यावर्त, बी हुंकार, सी हिंदी प्रदीप, डी पंजाब केसरी। आंसर सी हिंदी प्रदीप। 16. बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए आर्यावर्त, बी हुंकार, सी हिंदी प्रदीप, डी पंजाब केसरी। आंसर सी हिंदी प्रदीप। 16. बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए आर्यावर्त, बी हुंकार, सी हिंदी प्रदीप, डी पंजाब केसरी। आंसर सी हिंदी प्रदीप। 17. बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ए 1877, बी 1888, सी 1890, डी 1894। आंसर ए 1877। 17. बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ए 1877, बी 1888, सी 1890, डी 1894। आंसर ए 1877। 17. बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ए 1877, बी 1888, सी 1890, डी 1894। आंसर ए 1877। 18. कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ए पद्मावती, बी वेणी संहार, सी डी मेघनाथ वध। आंसर सी। 18. कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ए पद्मावती, बी वेणी संहार, सी डी मेघनाथ वध। आंसर सी। 18. कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ए पद्मावती, बी वेणी संहार, सी डी मेघनाथ वध। आंसर सी। 19. कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ए मेला आंचल, बी गोदान, सी सौ अजान एक सुजान, डी अंतराल। आंसर सी सौ अजान एक सुजान। 19. कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ए मेला आंचल, बी गोदान, सी सौ अजान एक सुजान, डी अंतराल। आंसर सी सौ अजान एक सुजान। 19. कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ए मेला आंचल, बी गोदान, सी सौ अजान एक सुजान, डी अंतराल। आंसर सी सौ अजान एक सुजान। 20. नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ए भजन, बी नांदी पाठ, सी मंगलाचरण, डी आरती। आंसर बी नांदी पाठ। 20. नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ए भजन, बी नांदी पाठ, सी मंगलाचरण, डी आरती। आंसर बी नांदी पाठ। 20. नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ए भजन, बी नांदी पाठ,
सी मंगलाचरण, डी आरती। आंसर बी नांदी पाठ। इक्कीस, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ए 10 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 16 वर्ष तक, डी 18 वर्ष तक। आंसर सी 16 वर्ष तक। 21, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ए 10 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 16 वर्ष तक, डी 18 वर्ष तक। आंसर सी 16 वर्ष तक। 22, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी स्पेंसर, डी मिल्टन। आंसर बी बेन जॉनसन। 22, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी स्पेंसर, डी मिल्टन। आंसर बी बेन जॉनसन। 22, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी स्पेंसर, डी मिल्टन। आंसर बी बेन जॉनसन। 23, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी मिल्टन, डी स्पेंसर। आंसर ए एडिसन। 23, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी मिल्टन, डी स्पेंसर। आंसर ए एडिसन। 23, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी मिल्टन, डी स्पेंसर। आंसर ए एडिसन। 24, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर ए 2। 24, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर ए 2। 24, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर ए 2। 25, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ए क्रोधपूर्ण, बी भारी और बोझिल, सी हल्का और स्वच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी हल्का और स्वच्छ। 25, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ए क्रोधपूर्ण, बी भारी और बोझिल, सी हल्का और स्वच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी हल्का और स्वच्छ। 25, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ए क्रोधपूर्ण, बी भारी और बोझिल, सी हल्का और स्वच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी हल्का और स्वच्छ। 26, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ए श्रवण शक्ति, बी वाक शक्ति, सी दिव्य शक्ति, डी स्मरण शक्ति। आंसर बी वाक शक्ति। 26, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ए श्रवण शक्ति, बी वाक शक्ति, सी दिव्य शक्ति, डी स्मरण शक्ति। आंसर बी वाक शक्ति। 26, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ए श्रवण शक्ति, बी वाक शक्ति, सी दिव्य शक्ति, डी स्मरण शक्ति। आंसर बी वाक शक्ति।